हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल होप ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ मी नवप्रीत। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बहुत इजी रेसिपी लेके आई हूँ। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं चना मनपसंद। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, चना, और हमारे पास है चने, ये मैंने रात में भिगो के रख दिए थे, और हींग, नमक, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी हम यूज नहीं करेंगे। अब और क्या डालेंगे हम इसमें, कसूरी मेथी, गरम मसाला। खड़े मसालों में मैं ले रही हूँ एक काली मिर्च ले रही हूँ, एक तेज पत्ता और एक छोटी इलायची और जीरा पाउडर। लास्ट में मैं ले रही हूँ दो हरी मिर्चें। गाइस, मैंने चने उबालने के लिए रख दिए हैं और मैंने ये पोटली में पत्ती डाली है, पत्ती से हमें अच्छा रंग मिलता है। ये देखिए, मैंने चने उबल गए हैं, मैंने चने उबाल लिए हैं। उबालने के बाद देखिए कैसा अच्छा रंग आ रहा है। अब मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद, इसे अच्छे से भुनने के बाद जीरा, मैं इसमें नमक डाल दूंगी। आपने बिल्कुल सिम पे रखनी है गैस को। देखिए, नमक डालने के बाद मैं साइड पे सारे मसाले डालूंगी, क्योंकि एकदम से आप अगर डालोगे तो सारे मसाले जल जाएंगे। तो इसमें मैंने काली मिर्च डाल दी थोड़ी सी, अब मैं डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। अभी मैं इसमें डालूंगी सूखा धनिया, कोरिएंडर पाउडर। ये डालने के बाद अब मैं इसमें हींग डालूंगी, मैंने हींग डाल दिए। अब मैं इसमें दोनों मिर्चें डाल रही हूँ, ये देखिए। अब हम इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे आधे मिनट के लिए। गाइस, इसे बिल्कुल धीमी आंच पे रखना। अब इसमें मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली है। अब मैं इसे फिर थोड़ा सा पकाऊंगी। मैंने अभी इसमें चने मिक्स कर दिए हैं। देखिए, चने अच्छे से मिक्स करने के बाद जब इसमें उबाल आ जाए तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालिए। अब मैंने गरम मसाला डाला था। अब हम इसे फिर अच्छा सा मिक्स दे देंगे। अब इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे हम। जीरा पाउडर डालने के बाद फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे। ये देखिए, पक्के कैसे गाढ़ा और अच्छा बन गया है हमारा चना मनपसंद। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी है। गाइस, आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप अपने घर वालों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए और अपने गेस्ट को भी खिलाइए। आप इसे भटूरे के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। मैंने ये लच्छे परांठे के साथ बनाई है सब्जी, तो मैं इसे लच्छे परांठे के साथ अपने घर में सर्व करूँगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ लच्छे परांठे की रेसिपी शेयर करूं, काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिए। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।